हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में दोस्तों यू पी जेल वार्डन का जो एग्जाम हुआ है सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा कि ऑब्जेक्शन लगाने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को इस क्वेश्चनों का मालूम पड़ सके जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं यूपी पीआरबी के जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन आप मुझे देंगे उनका विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है या नहीं तो उसी वीडियो से लेकर मैं आपको वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जिन पर ऑब्जेक्शन लगाना है या कैंडिडेट ने जो हमें बताए हैं सर मुझे इन क्वेश्चन पर डाउट है तो आपको पूरा सटीक विश्लेषण मैं दूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक भी करें देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन था ये एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के आर्टिकल थ्री टू सिक्स के अनुसार आ, हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर होंगे व्यस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र सीमा इससे कम नहीं होनी चाहिए देखिएगा मैं इसके लिए आपको जो प्रो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आप लीगल जो है भारत सरकार की जो इंडियन गवर्नमेंट की विधायी न्यायालय है यानी ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ साथ के साथ यूपीएससी की जो बुक पढ़ाई जाती है लक्ष्मीकांत जी की पॉलिटिकल साइंस उससे भी मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को लेकर तो आप पूरे ऑब्जेक्शन को देख लें कौन कौन से ऑब्जेक्शन और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें देखिए सबसे पहले तो कॉमन आप प्रूफ ये ले सकते हैं कि गूगल पर जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपको आर्टिकल मिल जाएगा और आर्टिकल में साफ कहा गया है कि वो सिटीजनशिप जिसकी उम्र अट्ठारह से कम ना हो वो आ, अडल्ट माना जाएगा और वो वोट अपना प्रयोग कर सकता है ये बेसिक प्रूफ है इसके बाद में आपको ऑथेंटिक प्रूफ भी इसके लिए देना चाहिए देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस विधायी विभाग लेगलिस्टिव डिपार्टमेंट ये है तो सबसे पहले इसमें आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल थ्री टू सिक्स और ये नाइनटीन फोर्टी नाइन में जो अपना संविधान है उसमें था कि उम्र सीमा इक्कीस होनी चाहिए देखा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें केवल ये कहा गया है कि वो व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करेगा जो अडल्ट होगा जो व्यस्क होगा और इसको जो व्यस्क है मत का प्रयोग करेगा इसके लिए भारत सरकार को ऑथराइज माना गया है भारत सरकार तय करेगी कि कौन वोट डालेगा कौन वोट डालेगा नहीं डालेगा 61 अमेंडमेंट जो होता है इकसठवा संविधान संशोधन उसमें उम्र सीमा घटाकर 18 कर दी गई थी और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये था कि मत का प्रयोग करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो न्यूनतम आयु 18 है तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन पर डाउट डाल सकते हैं ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं प्रूफ मैं आपको बायदा दे रहा हूं फर्स्ट अमेंडमेंट 1988 में में हुआ था यानी टाइम वोट डालने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष है इससे कम नहीं है तो इस क्वेश्चन पर आप डाउट लगा सकते अब साथ के साथ आप ये भी देखेगा ये लक्ष्मीकांत जी की बुक है जो पोलिटिकल यूपीएससी के कैंडिडेट्स को पढ़ाई जाती है इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द असेंबलीज ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज इसमें केवल अलर्ट सबरेज दिया गया है उम्र सीमा नहीं है उम्र सीमा का निर्धारण भारत सरकार करेगी और भारत सरकार ने उम्र सीमा का निर्धारण अट्ठारह वर्ष किया हुआ है तो इस क्वेश्चन पर आप डाउट दे सकते हैं और डाउट देने के लिए आप एन की बुक पढ़ लीजिएगा लक्ष्मीकांत जी की ऑथेंटिक बुक पढ़ लीजिएगा या फिर आप अपना जो टूर देखिएगा जो पहले संविधान स्थापना टूट थ्री जीरो टू सिक्स में उसमें उम्र सीमा इक्कीस ही थी बट इसे घटाकर अट्ठारह कर दिया गया था तो पूछा यह है कि कितनी होनी चाहिए तो होनी तो अट्ठारह ही चाहिए जो एट ए प्रजेंट टाइम है तो इसके लिए आप डाउट डाल सकते हैं एक क्वेश्चन ये था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है इस क्वेश्चन को लेकर भी कैंडिडेट्स में डाउट है तो इसके लिए भी मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो भारत सरकार है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट वेबसाइट पर जो लिखा है आप इसे एन की बुक में पढ़ सकते हैं एन का गठन सब कुछ दिया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन एक अध्यक्ष चान कालिक चार पूर्णकालिक सदस्यों तथा चार मानद सदस्यों से होता है आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए संविधान में उच्च योग्यता निर्धारित की गई है मास्टर ये तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पर जिसके डाउट देना है वो दे सकता है आयोग का गठन एक अध्यक्ष तथा चार पूर्णकालिक सदस्य तो सदस्य जो हैं इसके देखिएगा वहाँ कुल सदस्य पूछे गए हैं तो कुल सदस्य पाँच हैं और कुल सदस्य की संख्या इसमें है चार मानव सदस्य तो टोटल नौ होते हैं कुल जो नौ है एक अध्यक्ष चार पूर्णकालिक तथा चार मानद तो टोटल नौ है यदि केवल हम सदस्य की बात करें कि सदस्य कितने हैं तो चार सदस्य हैं इस क्वेश्चन को लेकर भी आपको यदि डाउट है तो आप उसका ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं और ये ऑफिशियल वेबसाइट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत सरकार की तो इस पर भी यदि आपको डाउट लगता है तो डाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिएगा और क्वेश्चन एक बना था कि जो रक्षा रक्षा के लिए जो पुलिस को रक्षा के लिए जीवन रक्षा के लिए पदक मुहैया करा जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसे कौन सी गवर्नमेंट देती है तो उसमें पुलिस स्थापना दिया गया था वहाँ पर गृह मंत्रालय दिया गया था इस तरह से क्वेश्चन था तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना होगा देखेगा ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय तो जिस कैंडिडेट ने गृह मिन गृह होम मिनिस्टर या गृह मंत्रालय अपना आंसर दिया था उसका आंसर सही होना चाहिए इसके लिए और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पुरस्कार और पदक जो भारत होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं आप देख सकते हैं देखिएगा सबसे पहले आपको समझना होगा यह है अपना जीवन रक्षा पदक पुरस्कार जीवन रक्षा पदक पुरस्कार और यही क्वेश्चन पूछा गया था यह होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जा सकता है और यह होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है आप इस पर भी डाउट डाल सकते हैं निम्नलिखित किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री यानी होम अफेयर्स जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा और इसका मैंने आपको बाकायदा प्रूफ दिया है होम मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट यदि आप देखेंगे होम मिनिस्ट्री पर तो आपको ये मिल जाएगा अब देखिएगा जो ये था कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है इसका जो आंसर था कानपुर इसके लिए जो आप इसका प्रूफ दे सकते हैं वो ये है कि आप आई सी ए आर इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ऑफिशियल वेबसाइट है कृषि मंत्रालय की जो आईसीआर जिसके अधीन काम करता है कृषि मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर तो इसमें जब यदि आप जाएंगे तो आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको इंस्टीट्यूट का एक ऑप्शन मिलेगा और इंस्टीट्यूट में साफ दिया है देखेगा इंस्टीट्यूशन तो इंस्टीट्यूशन को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें साफ है सिक्सटी फोर और टेन नंबर पर आएगा इंडियन आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोटन रिसर्च ये नागपुर में है यानी केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान तो ये भी इसके लिए एक दमदार प्रूफ हो सकता है तो जिस कैंडिडेट ने नागपुर लगाया है उसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिन पर डाउट हमारे पास पहुंचे हैं देखिए ये क्वेश्चन हमने आपसे वो डिस्कस किए हैं जिन पर आप डाउट लगा सकते हैं आपको नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी है अब हम आपसे ये भी डिस्कस करते चल रहे हैं कि जिन क्वेश्चन पर आपको डाउट नहीं लगता आपको डाउट लगाया गया आपका डाउट गलत तो माना जाएगा तो मैं आपसे वो भी क्वेश्चन मानते चलूँ जो मेरे पास पहुँचे हैं कि आप इसको आपको ऑब्जेक्शन लगाना है या नहीं लगाना है एक क्वेश्चन है राजकुमार वर्मा ने प्रेमख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है तो इसका राइट आंसर आयोग की तरफ से दिया गया है मुल्ला दाऊद ये बिल्कुल राइट आंसर है सूफी परंपरा के प्रवर्तक थे ये सूफी परंपरा जो थी प्रेम मार्गी साखा ही थी शाखा ही यानी पर थी और मुल, दाऊद मुल्ला को राजकुमार वर्मा ने इनका प्रवर्तक माना है तो ये आयोग का आंसर बिल्कुल सही है यदि आप इस पर डाउट लगाएंगे तो शायद आपका डाउट ना माना जाए मैं बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपको वीडियो देखिए देखियेगा मैंने इसमें भारतीय साहित्य का इतिहास जब खगानना शुरू किया तो हमें एक नोटिस मिला जो एक ऑथेंटिक था तो देखिएगा हिंदी के प्रथम सूफी कवि सूफी कवि यदि आप बात करेंगे तो प्रेमख्यान की ही बात होती है सूफी कवि यानी सूफियाना यानी प्रेमख्यान तो मुल्ला दाऊद को माना जाता है आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि गुत बन को माना है राजकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कर को चंदायन लोकाहर के सूफी काव्य की परंपरा की शुरुआत माना है क्वेश्चन में

और ये आपका कोलकाता में ही है तो इसके लिए राइट आंसर कोलकाता ही है आप इस पर ऑब्जेक्शन ना लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं देखिएगा एक कैंडिडेट ने यह भी कहा है एक अचार सलाह के रूप में आपको प्रमुख कंपनी के द्वारा किसी कंपनी को शीर्ष पद पर भर्ती करने के लिए कहा गया और आप लिंक को लेकर संवेदनशील नहीं है तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको बताता चलूं इस तरह के क्वेश्चन के लिए आयोग की जो अपने आंसर ज़्यादातर सटीक माने जाते हैं क्योंकि इसके लिए आप कोई प्रत्यक्ष प्रूफ मुहैया नहीं करा सकते बट केवल आपकी थॉट पर निर्भर करता है या आयोग पर निर्भर करता है कि आयोग ने उसके लिए क्या आंसर माना है बट आयोग ने इसके लिए जो आंसर माना है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आयोग के द्वारा तय किया गया है बट इसके मैं गलत मानता हूं इसका रीजन ये देखिएगा आप एक आचार हैं यानी आप आचार के रूप में आपको यानी आपको से मतलब है हाँ ये एग्जाम दे रही थी वो फीमेल कैंडिडेट भी हो सकता है और वो मेल कैंडिडेट भी हो सकता है यानी कि वो लिंक को लेकर संवेदनशील नहीं है संवेदनशील से मतलब ये है कि वो मेल और फीमेल को लेकर संवेदनशील नहीं है वो बिल्कुल इन्हें समान मानकर नहीं चलता वो जेंडरवादी सोच का इंसान हो सकता है तो यदि वो मेल है तो हो सकता है मेल का चुनाव करें और यदि वो फीमेल है तो हो सकता है फीमेल का चुनाव करें क्योंकि एग्जाम देने में दोनों तरह के कैंडिडेट थे मेल भी और फीमेल भी थे तो ये कह देना कि वो पुरुष का ही चुनाव करेगा तो ये शायद आयोग की तरफ से राइट आंसर ना हो बट इसके लिए मैं फिर बताता चलूं आयोग अपने द्वारा निर्धारित क्वेश्चन मानता है क्योंकि इसके लिए आप ऑथेंटिक प्रूफ मुहैया नहीं करा सकते आप इसका क्या ऑथेंटिक प्रूफ लाएंगे इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ मिलने की संभावनाएं बेहद कम होती हैं बट हम इसे आंसर को आयोग के द्वारा जो दिया गया है इसे गलत मान सकते हैं मे भी हो सकता है रिवाइज जो आंसर की जा रही हो उसमें आंसर को बदल दिया जाए बट हम 100 परसेंट श्योर sure इसको नहीं है हम उन्हीं क्वेश्चन को लेकर श्योर sure हैं जिसका हमने आपको ऑथेंटिक प्रूफ मुहैया कराया है कैंडिडेट ने क्वेश्चन भी भेजा है कि एक को चार आयताकार फलक है उसका ऐसा एक आयत है उसको आप कितने न्यूनतम में काटे कि उसके चार आयत बने देखिए आयत बनने के लिए ऐसे टुकड़े होने चाहिए जिसकी दोनों भुजाएं समान ना तो न्यूनतम दो बार काट सकते हैं आप इसे जब बीच में से काटेंगे तो ये दो आयत में डिवाइड हो जाएगा बट आपको अब ये ऐसे नहीं काटना है आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली काटना है यानी एक बार आप इसे फ्लैट काटेंगे और एक बार आपको इसको लंबवत काटेंगे यानी एक दूसरे के लंबवत होते हुए जब से आप काटेंगे बीच में से तो चार आयत बन जाएंगे न्यूनतम दो बार काटने पर ही चार आयत बन जाते हैं तो इसका आयोग का आंसर सही माना जाएगा तो इस पर भी आप डाउट ना लगाएं मैं आपसे वो क्वेश्चन अभी डिस्कस कर चुका हूं जिन पर आप डाउट लगा सकते हैं यदि आपको इनके अलावा भी किसी क्वेश्चन पर डाउट बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा हम आपके उस क्वेश्चन का भी प्रूफ ढूंढने की कोशिश करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत धन्यवाद